सदमित वृद्धे असन्न प्रायुगो संति के बिछोड़ा भय गया सुन ये सुर, ये भजन, ये संगीत और ये गमगीन माहौल उस शख्सियत के लिए जो अचानक नगरूटा वासियों और अपने चाहने वालों से दूर चला गया। अब सिर्फ बची हैं तो बस यादें। इन्हीं यादों को ताजा करने के लिए नगरूटा बगमा के ओबीसी भवन में ये प्रार्थना सभा सजी है। वो नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं, वो चेहरा हर किसी के दिल में बसता है। आज हर कोई अपने अपने अंदाज में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे जीएस बाली को श्रद्धांजलि दे रहा है। उनकी कर्म भूमि नगरूटा पहुंचकर भजन सम्राट बाबा हंसराज रघुवंशी ने अपने भजनों, कांगड़ा के उभरते गायक रोहित वोहरा ने अपने गानों और गुरुद्वारा की ओर से गुरबानी के जरिए जीएस बाली के बीते पलों को महसूस किया गया। किसी को भी विश्वास नहीं है कि उनका चहेता और सबके दिल में बसने वाला उनका नेता आज इस दुनिया में नहीं है। जीएस बाली की बेटी रति बाली ने भजन गाकर अपने पिता के साथ बिताए पलों को याद किया। जीएस बाली के बेटे और एआईसीसी के सचिव रघुवीर सिंह बाली ने अपने पिता के नगरूटा के लिए किए गए त्याग और बलिदान के बारे में समझाया और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का प्रण लिया। आप लोगों की बहुत सारी कामनाएं हैं क्योंकि आप लोगों ने पिछले 25-30 साल पिताजी के साथ दिए हैं और क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार उनके ऊपर इन्वेस्ट किया, जो प्यार से आपने उनके और अपने रिश्ते को सींचा, जिस प्यार से आपने अपना और उनका रिश्ता खड़ा किया, उसको मरने नहीं दिया जा सकता। आपके 25 साल को 30 साल को खराब होने नहीं दिया जा सकता। आपके दिलों को, आपकी कामना को और जो पिताजी ने आपके लिए सोच रखी, उसको डूबने नहीं दिया जा सकता। इसलिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा आपका हाथ पकड़ के चलूंगा, आपकी हर समस्या को पिताजी की तरह अपनी समस्या मानूंगा और हमेशा दिल से आप लोगों के साथ रहूंगा। मैं हमेशा जिंदगी में जिस तरह से पिताजी ने आपको प्यार किया, मैं आशीर्वाद चाहूंगा पिताजी का कि उतने दिल से पिताजी का आशीर्वाद रहे,
कि मैं आप लोगों की उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरूं और आप सबके साथ हमेशा खड़ा रहूं। हम सब मिलके पिताजी के हर सपने को पूरा करें और सब मिलके पिताजी के हर सपने को आगे लेके जाएं। हर कोई जीएस बाली के साथ बिताए लम्हों को याद कर रहा है। जो प्यार विकास के मसीहा जीएस बाली के लिए नगरोटा वासियों के दिल में है, आज वो प्यार उस वक्त महसूस किया गया जब लोगों ने उनकी यादों को दिल से साझा किया। कहते हैं ना कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर किसी के दिल में एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। उनमें से एक थे जीएस वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।